Dear student, I am Anita madam, going to teach standard 6 optional 1 first optional Hindi literature book chapter 4 नन्ही दिल्लर गिल्हरी। गिल्हर क्या मतलब स्क्विरल। ये कहानी एक चेकोस्लोवाकिया यानी कि चेकोस्लोवाकिया देश का है जो लोक कथा के ऊपर आधारित है। इसमें गिल्हरी खरगोश तोते चिड़ा मैना बाज आदि बलूत के पेड़ एक पेड़ का नाम है बलूत उस पेड़ के ऊपर साथ मिलजुल कर रहा करते थे। जब पेड़ को अंदर से अंदर कीड़ा खाने लगते हैं तो गिल्हरी और बाज नदी पार से काट फोड़े तो उड़पीकर काट फोड़े को बुलाकर लाते हैं और पेड़ के सारे कीड़े को मार देते हैं और पेड़ स्वस्थ हो जाता है। और इसके द्वारा मित्र और पड़ोसियों से मदद करने की जो भावना उजागर होता है यानी कि फ्रेंडशिप बढ़ने लगता है कि पड़ोसी वाले भी हमारा सहयोग कर सकते हैं या पड़ोसियों से अगर हम अच्छा व्यवहार रखेंगे तालमेल रखेंगे या मैत्रीपूर्ण भावना रखेंगे तो समय असमय में हमें ये मदद कर सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे नन्ही दिल्लर गिल्हरी। चेकोस्लोवाकिया में एक घना जंगल है। घना का मतलब बहुत डीप यानी कि बहुत जहाँ पे जिस जंगल में बहुत पेड़ पौधे होते हैं। घना जंगल है क्रिबोक्लाथ जंगल में एक क्रिबोक्लाथ का नाम जंगल था जिसमें एक खूब बड़ा हरा भरा बलूत का पेड़ था। उसके कटर का मतलब जो बड़े बड़े पेड़ में जो गड्ढा बनता है जहाँ पे कुछ कुछ पक्षी वहाँ पे गड्ढे में रह जाते। कटर में रहती थी एक नन्ही प्यारी सी गिल्हरी। नन्ही का तो छोटी गिल्हरी रहती थी। नाम था उसका जर्जचका। बलूत के आसपास रहने वाले सभी पशु पक्षी एक परिवार की तरह रहते थे। अर्थात जितने सारे पशु पक्षी थे बलूत के पेड़ के आसपास सब अपने एक परिवार इनकी उनके बीच में बहुत मैत्री भावना था। मैत्री भावना होने के नाते आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। संध्या समय सोने से पहले सभी पेड़ के नीचे एकत्रित होते थे। जंगल से चेरी सेब बेर आदि जो भी लाते मिल बांट कर खाते थे। चेरी सेब बेर का मतलब कोली वेराइटी का आंसर कोली जो भी ये लाते थे कलेक्शन करके लाते थे उसे ये सब मिलजुल कर बांट कर खाते थे। बकरियां हिरन खरगोश तोते मैना बुलबुल सभी मस्ती से नाचते गाते और फिर थककर सो जाते थे। अर्थात पशु पक्षी में एक मैत्री भावना वहाँ पे संगठित हुआ था और चाहे पक्षी हो चाहे पशु हो ये भेदभावना नहीं था उनके बीच में। तो ये ऐसे ही मजे में दिन कट रहे थे कि एक दिन जर्जचका ने महसूस किया यानी कि उसे एहसास हुआ कि बलूत का पेड़ कुछ बुझा बुझा सा रहने लगा है यानी कि बहुत दुखी बुझा बुझा मतलब दुखी रहने लगा है। जिस शाखा पर शाखा मतलब टहनी यानी ब्रांचेस जिस शाखा पर उसका कोटर था वो भी झुकने लगी है अर्थात वो भी थोड़ा डाउन होने लगी। संध्या को जब सब एकत्रित हुए तो उसने चिंता व्यक्त करते हुए कहा मुझे लगता है कि हमारा प्यारा बलूत बीमार है। समझ नहीं आ रहा कि उसे फिर से तरोताजा कैसे बनाऊं। तभी वही जर्जचका यानी कि उस नन्ही गिल्हरी ने ज्यादा चिंता प्रकट करती है किसके बारे में ना बलूत पेड़ के बारे में चिंता प्रकट करती हुई बोलती है कि अगर ये पेड़ को मैं बीमार है मुझे लगता है तो बीमार है अंदर ही अंदर तो मुझे लगता है मैं कैसे उसे बीमार से मुक्त करूं। इसके ये बात सुनकर जो दूसरे पशु पक्षी थे जो इकट्ठा हुए थे उसमें से एक तीखी चोंच वाले चिड़े ने कहा चिड़े का मतलब एक पक्षी हाँ ने कहा बहन चिंता मत करो मैं अभी पता करता हूँ क्योंकि उसका चोंच थोड़ा लंबा था। तो उसने पेड़ का अच्छी तरह परीक्षण किया और कहा पेड़ की छाल में मुझे बहुत सारे छेद यानी कि होल छोटा छोटा होल दिखाई दिए हैं लगता है अंदर ही अंदर उसे कीड़े खा रहे हैं। इस कीड़ों को बस कट फोड़ा ही खत्म कर सकता है। कट फोड़ा यानी कि उड़ पीकर वो अपना चोंच बहुत स्ट्रांग होता है और मजबूत होने के कारण लंबा तथा मजबूत होने के कारण ये अपने पेड़ की बार्क यानी कि उसका जो छाला होता है उसे वो काट कर उसके अंदर घुसा कर अपना चोंच को सारे कीड़े को निकाल देता है। अतः ये तीखे चोंच वाले चिड़े ने सलाह दिया कि कट फोड़ा को बुलाकर लाओ। जर्जचका ने कहा चिड़े भाई यहाँ तो कोई काठफोड़ा है नहीं हमारे इलाके में
जजेस का यानी कि छोटी सी नन्ही सी गिलहरी ये बोली कि यहाँ पे तो कोई कठफोड़ा नहीं हमारे इलाके में। तभी हिरनी चकड़ियां भरती हुई वहां पहुंची और चकड़ियां तो मस्ती में आकर वो पहुंची। सबको उदास देखकर जब उसे उदासी का कारण पता चला तो उसने कहा वो सब सारे पशु पक्षी उदास हो गए थे पेट के बारे में सोच सोच कर। उसी समय में मस्त होकर हिरनी आती है और जैसे ही वो सारे पशु पक्षी को उदास यानी कि दुखी देखती है तो पूछने लगती है क्यों आप लोग इतना उदास यानी दुखी क्यों हो। मैं तो जंगल में दूर दूर तक जाती हूँ, यहाँ से 2 कोस दूर नहर और पहाड़ी के पार मैंने कठफोड़ा का एक जोड़ा देखा था। तभी वो बोलती है कि हिरनी कि मैं जो जंगल के बहुत दूर दूर तक चली जाती हूँ और मुझे वहाँ पे कठफोड़ा जोड़ा यानी कि पैर में देखा था। अब प्रश्न उठा कि इतनी दूर जाए कौन, सारे पशु पक्षी तो पता चल गया कि हाँ बहुत दूर में कठफोड़ा की जोड़ा है लेकिन उनके पास जाएगा कौन। सबने हिरनी से प्रार्थना की लेकिन हिरनी से अपनी असमर्थता बताते हुए कहा तुम सब तो जानते हो ही कि मेरा शावक अभी 4 दिनों का भी नहीं हुआ है, अर्थात शावक का मतलब उसका बच्चा 4 दिन का हुआ है। मैं इतना और बार बार एक बार चली गई लेकिन और अभी नहीं जा पाऊंगी, मेरे साथ इतनी दूर वो जा नहीं सकता, मैं चली गई तो ये भूखा मर जाएगा, अर्थात मैं बच्चा को लेकर नहीं जा पाऊंगी क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा है 4 दिन का है इतना उसको पैर दुखेगा। सो मैं अगर अकेली चली जाऊंगी तो वो भूखा मर जाएगा, ये बात वो बोल दी। तभी बकरियां मैं करती हुई बोली वहां से खिसक ली। नेता मैना भी अपने अंडे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुए। जर्जस्का ने निर्णय लिया कि कुछ भी हो वो अकेली ही चली जाएगी और सबने उसे समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा नन्हा सा शरीर इतनी बाधाओं को पार करके कठफोड़ा तक नहीं पहुंच पाएगा, अर्थात तुम इतने छोटे हो और मुसीबत भी शायद तुम्हारे सामने आ सकता है क्योंकि तुम बहुत दूर पार करोगे और तुम्हें शायद कोई जानवर खूंखार जानवर भी पकड़ ले, सो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन नन्ही सी गिलहरी अपने बात में और जो ठान ली थी और उस बात में मुख करना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो और अकड़ कर रही यानी जिद में रही कि मैं ही जाऊं। जब सबने देखा कि जजेस का टर्म से मस्त नहीं होता था तो अपने बातों में बिल्कुल खिसकती नहीं या हिलती नहीं, तब बूढ़ा बाज उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। बाज यानी कि उसे जो बूढ़ा थोड़ा बूढ़ा हो गया था वो भी चलने के लिए उसके साथ तैयार हो गया। भोर होते हुए निकल पड़े, थोड़ी दूर पर ही नदी आ गई। बाज तो उड़कर पार पहुंच गया पर जर्जेस का क्या करती छोटी है वो नदी की ओर झुके एक पेड़ पर चढ़ी और दूसरे किनारे तक जाने वाली शाखा पर चढ़ गई। वहां से उसने लंबी छलांग लगाई मतलब जंप, छलांग मतलब जंप, लंबी छलांग लगाई। नदी के दूसरे किनारे की गीली रेत पर वो थप से जा गई यानी कि इतना जोर से वो जंप की थी कि वो थपास जाकर दूसरे किनारे जाकर बालू के ऊपर गिरने लगी। तभी इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण उसका पूरा शरीर दुखने लगा यानी उसका शरीर तन बदन दर्द होने लगा क्योंकि बहुत ऊपर से गिरी थी। उसे भूख भी लगने लगी थी, सामने ही फलों से लदा पेड़ भी दिखाई दिया। मन में लोभ जागा कि कुछ खाकर आराम कर ले, पर जैसे ही उसे प्यारा प्यारा बलूत याद आया वो उठी और रेत झाड़कर फिर आगे चल पड़ी क्योंकि उसका शरीर रुआ से होता है यानी कि बहुत सारे है यार यानी कि उसका रुए होते हैं, इसीलिए जब ऊपर से गिरी थी तो सारे बालू से लथपथ हो गया था तो उसे झाड़ पूछ कर तो आगे बढ़ने लगी। बूढ़ा बाज भी थक चुका था, उसने 2 घड़ी आराम करने की सलाह दी जर्जेस का कि बाज की बात माननी पड़ी। एक पेड़ के तने पर पसर कर अभी उसने आंख बंद ही की थी कि उसे पत्तों की सरसराहट सुनाई दिया यानी कि हवा तैसे आई। एक बड़ा सा काला नाग फर उठाए उसी की ओर चला रहा था यानी कि उस पत्ते घने पत्ते के अंदर ही एक काला नाग था जो उसके अपना फन को उठाकर उसी गिलहर के पास आ रहा था। एक बड़ा सा काला नाग फन उठाए उसी की ओर चला रहा था। बाज ने तुरंत झटपटा मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया, बाज ने उसे मार दिया। तभी सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम से रात हो गई पर जजेस का नहीं रुकी।
भोर की पहली किरण के साथ ही वो कठफोड़े के कटोर तक पहुंच गई। सारी बातें सुनकर कठफोड़े ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं जानता, फिर मैं इतनी दूर क्यों जाऊं? तभी कठफोड़ा अपने निराश वाणी सुना देता है, क्योंकि तुम मैं पहचानता नहीं और तुम इतने दूर से आए हो, मैं क्यों तुम्हारे बातों में आऊं और क्यों मैं जाऊं। कठफोड़े की पत्नी कटोर के अंदर बैठी उनकी बातें सुन रही थी। वो बाहर आई और बोली, आपको जाना चाहिए, भलाई करने का अवसर जीवन में सौभाग्य से मिलता है। वो पत्नी वो भले मतलब दिल की थी तो सलाह देती है कि अपने मेल यानी कि अपने पति जो कठफोड़े को, वो बोलती है कि मौका बार बार नहीं आता जीवन में, अर्थात जब अवसर मिलता है तो अवसर का लाभ उठानी चाहिए और ये सौभाग्य बार बार नहीं आता, इसीलिए दूसरों को भलाई करने के लिए मौका को गंवानी नहीं चाहिए। कठफोड़ा दंपति उनके साथ आए। उन्होंने पहले चोंच मार मार कर बलूत के पैर की जांच की यानी कि परीक्षा करने लगे। फिर एक सदे हुए डॉक्टर की तरह यानी कि सदे हुए डॉक्टर की मतलब एक्सपीरियंस डॉक्टर की तरह पैर की चीर फाड़ शुरू कर दी। तीन चार घंटे की मशक्कत के बाद जाकर कहीं वे पैर के सारे कीड़ों को मार पाए। सारे पशु पक्षियों ने दोनों को धन्यवाद दिया और तरह तरह के फलों से सत्कार यानी कि ये मेहमान है दूसरे इलाके से आए हैं अथवा मेहमान नवाजी करने लगे करके उन्हें विदा किया। एक नन्ही सी गिलहरी की दिलेरी और हिम्मत, दिलेरी मतलब बड़े दिल वाले, और हिम्मत से बलूत के पेड़ की जान बच गई। कुछ ही दिनों में वो फिर से लहलहाने लगा था, हरा भरा होने लगा क्योंकि वो मुरझा गया था। तभी सच कहा गया कि हिम्मती व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिसके पास हिम्मत है और दूसरों को मदद करने की भावना है और सहयोग करने की भावना होता है, वो कभी भी चाहे जितना भी मुसीबत जितना भी दिक्कत जीवन में क्यों ना आए कभी हारता नहीं, बल्कि आगे बढ़ता ही जाता है और सफलता अवश्य उसे प्राप्त होता है। इस कहानी के जरिए हमें ये सीख मिलता है कि दूसरों को मदद करने की भावना मन में रखनी चाहिए। शरीर चाहे बड़ा हो या छोटा, कद तुम्हारा बड़ा हो या छोटा हो, चाहे तुम्हारा शक्ति ज्यादा हो या क्षीण हो, फिर भी तुम्हारे मन में पहले दूसरों की मदद करने की भावना होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि विदेशी यानी कि हमारे आस पड़ोस वाले अगर कोई मदद मांगे तो उन्हें भी तुरंत मदद करने की भावना रखनी चाहिए और हाथ पसार देना चाहिए, तब जाकर हमारे बीच में मेल मिलाप बढ़ेगा और दोस्ती का हाथ बढ़ेगा, हमारे बीच में एकता की भावना बढ़ेगा। आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे, अगर कुछ डाउट होगा तो। Yeah.